शासन द्वारा हर विभाग के लिए अलग अलग संस्था एवं मदों में देखरेख कर विभागों के दफ्तरों को दुरुस्त रखने के लिए प्रयासरत रहती है, लेकिन निचले स्तर पर इसकी अनदेखी होने के कारण विभागों के ऑफिस अपनी व्यथा बखान करते रहते हैं। हम बात कर रहे हैं पीडब्ल्यूडी नर्मदा घाटी विकास विभाग के सब डिवीजन क्रमांक 5 के ऑफिस की। यहाँ भवन तो बना है, लेकिन उसकी अनदेखी के कारण भवनों में लगी सीलिंग दिन में अचानक गिर गई, वह भी तब जब दफ्तर खुला हुआ था। गरिमत रही कि कार्यालय में कोई भी कर्मचारी उस वक्त मौजूद नहीं था, अन्यथा कोई बड़ी जनहानि हो सकती थी। कार्यालय की जर्जर दीवारें, खिड़कियां, सीलिंग टूटकर गिर रही हैं। पूर्व में भी कई बार गिर चुकी हैं। इस संबंध में अधीनस्थ विभाग को जानकारी दी भी गई तो उनकी ओर से भी कार्य करने को लेकर कोई जागरूकता दिखाई नहीं दी, जिसका खामियाजा ऑफिस में मौजूद कर्मचारियों ने देखा। भवन का रखरखाव करने वाले नर्मदा विकास विभाग संभाग क्रमांक 21 के कार्यपालन यंत्री को भी बार बार पत्राचार करने के बाद भी भवन की मरम्मत नहीं की गई, जबकि शासन द्वारा रखरखाव के लिए अलग अलग मदों की व्यवस्था जरूरत के आधार पर की जाती है। विभाग के सहायक वर्ग 2 के कर्मचारी AK तिवारी ने बताया कि दोपहर 3 बजे कार्यालय की सीलिंग अचानक गिर गई। टी टाइम होने के कारण कर्मचारी बाहर थे, इस वजह से बड़ा हादसा होने से टल गया। एक बड़ी विडंबना है कि इस विभाग में सितंबर माह से बिजली कटी हुई है, जो अभी तक जुड़ नहीं पाई। एक कमरे से दूसरे कमरे से कनेक्शन लेकर पंखे चलाए जा रहे हैं। वहीं 2 कार्यालय संचालित होते हैं, जिसमें तकरीबन 13 कर्मचारी और 3 प्यून पदस्थ हैं।